तो हम आपके लिए लेके आए हैं आज एक अनोखी और नई रेसिपी। सिर्फ ये दो बैंगनों से हम मसालेदार बैंगन बनाकर तैयार करेंगे। तो आपको अगर बैंगन नहीं पसंद है तो एक बार ये मसाला बैंगन बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। तो ये हमें बैंगन लेना है और इस तरीके से हमें ज़्यादा छोटे छोटे नहीं करने, इसके बड़े टुकड़े करने हैं। तो हम इस तरीके से इसको बीच में काट लेंगे और देख लेंगे इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। बस इस तरीके से हमें इसके दो पार्ट कर लेने हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हमें बैंगन को काट लेना है। इसी तरीके से ये वाला बैंगन भी हम कट कर लेंगे, इसको भी हम तीन पार्ट में कट कर लेंगे, इसको भी हम ऐसे इस तरीके से इसको हम इतना छोटा कर लेंगे क्योंकि ये हमारा बड़ा बैंगन है। तो चलिए इसे हम इस तरीके से काट लेते हैं और इसमें हम आलू का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये बैंगन से ही ये वाली रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगी। हमने सारे बैंगनों को इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे वाले जो बैंगन आते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो तब तक हम जो हमने टमाटर लिया हुआ था उसको भी हम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये हमने पैन में ये हमने 2 से 3 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है। ये हमने सरसों का ऑयल लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे सरसों के ऑयल में ये ज़्यादा ही बढ़िया बनते हैं। तो ये देखिए हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, हमने जो बैंगन काट के रखे थे वो सारे हम इसमें बैंगन डाल देंगे और इसे में ज़्यादा नहीं 30 से 40% के आसपास इसे हमें कुक करना है। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे बैंगन आधे पक चुके हैं। तो इसे अब क्या करना है, हमें 1 प्लेट में निकाल लेना है। तो चलिए हम इसे 1 प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने सारे बैंगन को 1 प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में हम तड़का लगाएंगे। तो अगर आपका ऑयल कम हो तो आप इसमें और ऐड डाल लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हमने 2 तेज पत्ता डाल दिए हैं। इसके बाद हम 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से आधे मिनट तक भून लेंगे। अब उसी के साथ हम इसमें 1 पिंच हींग ऐड कर देंगे। और हमने जो मिर्च काट के रखी हुई थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और मिर्च को हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पकाना है। उसके बाद जो हमने टमाटर काट के रखे हुए थे हम वो डाल देंगे। अगर आप प्याज खाते हो, ये मैं बिना प्याज की रेसिपी बता रही हूँ, तो आप इसके बाद आप प्याज ऐड करें और उसके बाद प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप तब टमाटर ऐड करें। तो चलिए प्याज तो हमें यूज़ नहीं करना है तो हम इसमें टमाटर का यूज़ करते हैं। टमाटर को पकने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए हम टमाटर पकने देते हैं। ये टमाटर हमारे काफी अच्छे से गल गए हैं तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का यूज करेंगे और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर का यूज करेंगे और हम 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर या कश्मीरी पाउडर, आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से ऐड करें। तो ये हमने लाल मिर्च ऐड कर दी है।
अब इनको साथ हम नमक ऐड कर देंगे, वो भी स्वाद अनुसार। तो चलिए इन सबको डालकर हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये हमारा मसाला अभी काफ़ी सूखा लग रहा है, तो इसे हम एक मिनट या आधा मिनट ऐसे ही पकाएंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है, क्योंकि ये हमारा मसाला काफ़ी सूखा है लेकिन इसे हम आधा मिनट से ऊपर पका लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला काफ़ी अच्छा पक गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सीक्रेट है जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमने मूंगफली थी उसको हमने रोस्ट करके उसको दरदरा कूट लिया है और वो हमने दो बड़ा चम्मच ऐड किया है। इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ऑप्शनल है, आप यूज़ भी करना चाहते हैं तो यूज़ कर लें वरना स्किप कर दें। तो चलिए अभी क्या हमने क्या किया था, ये मूंगफली को रोस्ट कर लिया था, उसके बाद इसको हमने दरदरा कूट लिया था। तो अब इसके बाद हम इसमें आधा कप पानी का यूज़ करेंगे और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके अब इसे 1-2 मिनट पका लेंगे उबाल आने तक। तो चलिए इसमें हम पानी को डालकर अच्छे से उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला काफ़ी अच्छे से रेडी हो गया है और इसमें अभी से हम आधा मिनट और पका लेते हैं ताकि मसाला हमारा थोड़ा और थिक हो जाए। चलिए इसे पकाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मसाला काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक चम्मच मसाला ऐड किया। वो कौन सा मसाला है जो आप भरवा सब्जियों में यूज़ करते हैं, जैसे आप भिंडी बनाते हैं तो बैंगन बनाते हैं करेले बनाते हैं, वो मसाला है वो हमने यूज़ किया है। ये देखिए ये मैंने एक बड़ा चम्मच पूरा यूज़ किया है। तो अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं ये आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करिएगा और तो मैं इस मसाले के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए तब आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। अब मैंने जो बैंगन सारे ले रखे थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। सारे बैंगनों को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम आधा कप पानी का और यूज़ करेंगे और उसके बाद उसे हम 1-2 मिनट ढककर पकाएंगे। तो चलिए इसे हम पहले अच्छे से आपस में मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा मसाला बैंगन में अच्छी तरीके से कोट हो जाए। ये देखिए सारा मसाला अच्छे से मिल गया है। तो इसमें हम आधा कप पानी का यूज़ करके इसे हम ढककर 1-2 मिनट पका लेंगे। उसमें मैंने कई सारी चीज़ों को डालकर वो मसाला बनाया है, तो वो मसाले की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि उसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये चलिए देखते हैं, ये हम इसे 1-2 मिनट ढककर पकाएंगे। ये देखिए अब हम खोल कर देख रहे हैं कितना अच्छा हमारा सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसने तेल भी छोड़ दिया ऊपर से और काफ़ी गाढ़ा हो गया, बस इसी तरीके की हमें चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए देखने में ही कितनी बढ़िया लग रही है। इसे आप पराठे पूड़ी किसी के भी साथ खाएँ, ये बहुत ही स्वाद आता है इसे खाने में। तो चलिए मैं आपको एक बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ही मसालेदार लग रही है ना, तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।